तकीचा सोस चित्राली जबान में इसका मतलब है क्या हाल है। पर आज मैं सिर्फ चित्राली बोलने नहीं आया हूँ, बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूँ जिसमें सुकून ऐसा जैसे बचपन में नानी की गोद में बैठकर वो परियों की कहानियाँ सुनना। जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का हुआ करता था जो हर टाइम हाथ में कैमरा लिए खुद से बातें करता था। ये उसकी बीमारी नहीं थी, ये उसका जुनून था। एक दिन दुनिया के शोर शराबे से तंग आकर उसने फैसला किया कि वो किसी ऐसी जगह जाएगा जहां उसे सुकून मिल सके। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया और वो निकल पड़ा चित्राल के लिए। सफर अकेले करना उसको पसंद नहीं था, इसीलिए अपने दोस्तों को साथ ले गया। वैसे बात तो ठीक है, दोस्तों के साथ सफर वाकई खूबसूरत हो जाता है। हमें यहाँ तक ही छोड़ना था, यहाँ के बाद हम लोग ने पैदल जाने, हम लोग एक्सप्लोर करने लगता है। ऐसी जगह उसने पहली दफा देखी थी शायद, क्योंकि आज उसे एहसास हो रहा था कि ये दिलकश नज़ारे, ये खूबसूरत बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये खूबसूरत लोग और ये सारा उस एक जात का कमाल। हर चीज के पीछे एक कहानी सी लगती थी, कुछ भी उसने बेवजह नहीं बनाया। वो एहसास जिसकी कमी उसकी ज़िंदगी में हमेशा रही, ये वो सफ़र था जहाँ हर एहसास खूबसूरत और हर कमी पूरी होनी थी। चित्राल पहुँचते ही उनके होटल के साथ उन्हें एक पहाड़ दिखा, एक बहुत ऊंचा पहाड़। इन दोस्तों ने फौरन प्लान बनाया और निकल पड़े ट्रैकिंग करने। पहाड़ की ऊंचाई इनके इरादों के आगे कुछ भी ना थी। रास्ता मुश्किल तो था, पर मंजिल के लिए इट वाज ऑल वर्थ इट। यार मुझे लेने एक ये। चित्राल से 4 घंटे के फासले पर एक वादी आती है जिसका नाम कैलाश है। कहते हैं यहाँ के लोग बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बस यही देखने इन दोस्तों ने रुख किया कैलाश का। रास्ता सोच से ज्यादा मुश्किल था, पर एक चीज जो इन सब के चेहरों पर हमेशा रही वो थी इनके चेहरे की मुस्कान। ये गाड़ी वाला इतनी स्पीड में आए, हम पर गाड़ी चढ़ाने वाला था। फिर चाहे रास्ता कैसा भी था, जो सोचा था वो तो इन्होंने करना ही था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप सर? ओहो सर, ओले ओले सर, ओले। चाहे फिर जितना भी मैच्योर कहते हो खुद को, इतनी ज्यादा बर्फ देखकर रहा नहीं गया, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। मैंने पाँव रखा और ये पाँव गया। दुनिया का गम भूलकर ये लड़के अपनी अलग दुनिया में थे। कैलाश के लोगों से मिलकर इन्होंने ये तो ज़रूर सीखा कि टेक्नोलॉजी से दूर ये लोग एक दूसरे में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, ना कि चीज़ों में। चित्राली में एक लफ्ज आता है चासूस, चासूस जाम जा, चासूस का मतलब है हाउ आर यू और जाम का मतलब आई एम फाइन। कैलाश से तकरीबन 6 घंटे दूर एक जगह आती है काखलिश। इस लड़के को हर जगह देखकर एक नया एहसास पैदा होता था, सब कुछ जैसे जन्नत सा लग रहा था इसे। कावलिश इस जन्नत का एक वो हिस्सा था जिधर इंसान नहीं, शायद सिर्फ परियां बसर होती हैं। अभी तक इन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ सिर्फ देखे थे, पर अब यहाँ इन्होंने प्लान किया इन पहाड़ों पर जाने का।
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a bird. घर से निकले इन्हें अब एक हफ्ता होने को था। ये हमारे दशानी भाई यहाँ पर मौजूद हैं। पर ये शायद वहीं के होकर रह गए थे। खैर, मेहमान तो आते ही जाने के लिए, पर ये लड़के अपना दिल शायद वहीं छोड़कर जा रहे थे। थोड़े से इमोशनल थे, थोड़े से आंखों में आंसू, नहीं आंखों में आंसू तो नहीं होंगे, खुददार हैं वो, पर यकीनन दिल के किसी कोने में बैठकर सोच जरूर रहे थे कि काश ये सफर थोड़ा और हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। Just to feel alive, I fight to live, I fight to strive, one day I'll have